નામ નિકિતા છે, નિકિતા રાઠોડ. હું કરજણથી આવું છું અને હું અહીંયા બેઝિક ટુ બ્રાઇડલ મેમના વર્કશોપ હતા વડોદરામાં, તે મેં અટેન્ડ કર્યા છે. બહુ જ સારું લાગ્યું એમની સાથે વર્કશોપ કરીને, એમની બધી ટ્રીક શીખીને, એમના જે વર્ક છે એમને બહુ જ સારી રીતે શીખવાડ્યું છે. અને એવી રીતના શીખવાડ્યું છે કે અમને લાગ્યું નથી કે એમની સાથે અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યા છે. અને એમને અમને કોઈ દિવસ ફીલ બી એવું નહીં થવા દીધું કે પહેલી વખત અમારી સાથે અટેક થયા છે. એન્ડ મારું ડ્રીમ હતું મેમને મળવાનું, એમની સાથે શીખવાનું, એ આજે કમ્પ્લીટ થયું છે. મેની મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન. આઈ વિશ વેરી ઓલ ધ બેસ્ટ. આપ બહુ ગ્રો કરો ઓર બહુ આગે તક જાઓ. मेरा नाम मोनिका सोलंकी है और जो मेरा फर्स्ट ड्रीम था, पहले तो मैं नॉर्मली लगाती थी, बट जो मेरा ड्रीम था कि मैं वापिस जाके सीखूंगी, बट वही आज पूरा फील हो गया है, वो खुद करोड़ आ गए हूँ और मैंने फाइनल उनके साथ 7 डेज का कोर्स कम्प्लीट आज कर लिया हुआ है. थैंक यू सो मच मैम. माय नेम इज करिश्मा जयसवाल और मैंने मैम का 7 डेज का वर्कशॉप अटेंड किया है और ये मेरा फर्स्ट क्लास था और ये मेरे फर्स्ट एज ए टीचर है मेहंदी के, जिससे मुझे सारी चीजें सीखने मिली. मतलब कि मुझे तो बेसिक भी, मतलब मेरी डिजाइन अच्छी प्रॉपर नहीं आती थी, वो भी अब प्रॉपर आने लगी है फिनिशिंग के साथ. और मुझे मैम से सीख के बहुत मजा आया. वो बहुत मतलब फ्रेंडली है, इतना कुछ ऐसा नहीं कि ये नहीं वो नहीं, सब कुछ बहुत प्यार से सिखाते हैं और बस मुझे मजा आया उनके साथ सीखने में. कांग्रेचुलेशन. आई एम अल्पा दलिया. आई एम वेरी हैप्पी टू से शी इज माय फर्स्ट मेहंदी टीचर. उनसे मिलके मुझे इतनी खुशी हुई कि उनकी मेहंदी से ही मेरी इंस्पिरेशन बनी है और उनकी मेहंदी से ही हमें आगे जाने का रास्ता मिला है. बहुत ही इजी वे में टेक्निक से वो हमें सिखाती है और एज ए फ्रेंडली, एज ए सिस्टर, एज ए गाइडेंस, उनसे बहुत ही हमने मिला है. थैंक यू सो मच फॉर कांग्रेचुलेशन. वैशाली चौहान है. मैंने मोनिका मैम का 7 डेज का वर्कशॉप अटेंड किया, एडवांस टू बेसिक वाला, और उनके साथ सीख के बहुत अच्छा लगा. वो जो सिखाते हैं बहुत इजी वे में सिखाते हैं, मतलब अच्छे से पता चलता है कि कैसे क्या लेना है, क्या करना है, और उनके साथ बहुत मजा आया क्लास करके. थैंक यू मोनिका मैम. बहुत हेलो, माई नेम इज निराली पटेल एंड मेरा मैं मैम की मेहंदी देखती थी तब से. मेरा ड्रीम था कि मैं मैम से एक बार मेहंदी सीखूँ और मैंने वो मैम बड़ौदा में आ रहे थे तो फिर मैंने यहाँ पे ही ज्वाइन कर लिया और मैम से सिर्फ मेहंदी सीखने को नहीं मिले, उसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है. जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो मेरे में थोड़ा कम था, पर मैम से क्लास करके मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है. फिर उसके साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, क्या क्या हम मेहंदी के साथ लेके जाना चाहते, क्या क्या लेके जा सकते हैं, वो सब भी मैम ने सिखाया. और बेस्ट पार्ट ये है कि मैम कुछ छुपाते नहीं है कि मेरी ये ट्रिक है तो मैं किसी को ना बताऊँ. वो मैम वो भी सबको सबको पता देते हैं कि मैं ये करती हूँ, ऐसे ट्रिक है, ये इजी ट्रिक है, ऐसा करना है, ऐसा ही करना है, वो सब मैम बताते हैं. तो मैम का जो हार्ट है वो बहुत प्योर हार्ट है, वो बेस्ट पार्ट. सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, क्या नया सीखा आपने आज यहाँ पे, नए में सबसे ज्यादा क्या आपने ऐसे कि ये चीज मैंने नहीं सीखी है क्लास में, जो बेस्ट चीज है, मतलब क्या नया सीखा है जो आपको अब तक नहीं पता था हमारे वर्कशॉप में. ब्राइड का, स्पेशली ब्राइड का तो मैंने यूट्यूब ने इंस्टा से ही सीखा था, पर जो बेसिक ट्रिक होती है ना वो कोई टीचर हो ना तो ही हम अच्छे से सीख पाए, ऐसा होता है. तो वो आपको एक टीचर चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब के कहीं से भी सीख लो तो आ जाएगा. वो टीचर जो सिखाते हैं ना उससे जो आता है ना वो परफेक्ट आता है. तो आप ऐसा नहीं कि मुझे फिगर आती है तो मैं यही करूँ, एक बार आप टीचर से सीखोगे ना तो आपको लगेगा कि आपको मिस्टेक्स कहाँ हुए वो टीचर बताएंगे. और वो मोनिका मैम बहुत अच्छे से बताते हैं कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है और क्या करना है हम आगे जाके. सबसे ज्यादा तो प्रिपरेशन. थैंक यू वेरी ऑल द बेस्ट.